Hi, welcome to my channel. This video is solve creating question number 7. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to BC is equal to 3 cm, AB and BC are 3 cm, AD is equal to 5 cm and angle A is 90 degrees and angle B is 105. यहाँ पर 3 sides दे दिया है और आपके 2 included angles भी पता है, तो definitely आप इसको construct कर सकते हैं. AB से start करेंगे, तो हम 3 cm का पहले line segment draw कर लेते हैं. AB ओके, तो हमने ए बी 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया है. नाउ अब बी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर हम दोनों पर एंगल बनाएंगे. 90 डिग्री ए पर बनाना है और बी पर 105 डिग्री. तो पहले हम ए पर 90 डिग्री बना लेते हैं. तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 90 डिग्री के डायरेक्शन में हमने पॉइंट मार्क कर लिया है. सो ए से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रा करेंगे. ए और इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा, एक रे कह सकते हैं आप, क्योंकि ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो. तो ए पॉइंट से हम एक रे ड्रा करेंगे जो इस पॉइंट से होते हुए जाएगा और उसका नाम हम देंगे ए अक्ष. तो हमने ए अक्ष ड्रा कर लिया है. नाउ अब ए को सेंटर मान करके 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे जो इस ए अक्ष लाइन को, ए अक्ष रे को कहीं ना कहीं का इंटरसेक्ट करेगा और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट आपका डी होगा. ओके, तो हमने 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक आर्क खींच लिया है और ये पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट हो रहा है. तो दिस इज ए पॉइंट डी. अब बी पॉइंट पर हम बनाएंगे 105 डिग्री का एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर. आप देख सकते हैं यहाँ पर हम नीचे वाले स्केल का यूज करेंगे क्योंकि बी ए इस डायरेक्शन में है, मतलब लाइन का जो डायरेक्शन है वो इधर है. सो हम इधर से काउंट करेंगे नीचे वाले स्केल में. तो हम देखेंगे 105 कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 110 एंड 100 के बीच में होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे वहाँ पर. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 और 110 के बीच में हमने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया है. अब बी पॉइंट और ये जो पॉइंट हमने लिया है 105 के डायरेक्शन में, यहाँ से एक रे ड्रा करेंगे जिसका हम नाम देंगे बी वाई. ओके, तो हमने बी वाई लाइन रे ड्रा कर लिया है. अब हम बी को सेंटर मान करके 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे जो बी वाई को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जिसका नाम होगा सी. ओके, तो हमने वहाँ पर पॉइंट कट कर लिया है और ये आपका पॉइंट है सी. सो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं सी. अब सी डी को ज्वाइन कर देंगे. ओके, सी डी को ज्वाइन करने के बाद हमें क्वाड्रिलेटरल मिल चुका है ए बी सी डी, जो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है आपका. सो आप समझ चुके होंगे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और यदि आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. आई विल रिप्लाई डेफिनेटली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.